Hey guys, it's me your Russell. Welcome back to my channel. And aska vlog arku velaka ek best tourist place Katiki waterfalls. अरकु वैली में कंपलसरी देखने के प्लेसेस में ये नंबर वन प्लेस है। एंड इसका लोकेशन अरकु वैली से 39 किलोमीटर का डिस्टेंस में लोकेटेड है एंड बुरा के उसको पास में ही है, लगभग वहाँ से 7 किलोमीटर्स के पास में ही है। तो इसको जाना है तो कंपलसरी बाय रोड ही जाना पड़ेगा। कैब्स अवेलेबल रहते, ऑटोज भी अवेलेबल रहते। आपको ओनली कटकी वाटरफॉल्स जाने के बदले में सब वहाँ के जितने भी प्लेसेस है सब एक पैकेज में जाने से कम प्राइस में चले जाएंगे। आपको ओनली कटकी वाटरफॉल जाना है तो लगभग 1500 लेंगे, वही सब पैकेज के नीचे ले लेंगे तो 5000 में सब जितने प्लेसेस भी है सब भी दिखा देंगे दो दिन में। रोड भी बहुत अच्छा रहता है तो सब घाट रोड है, बट लेकिन रोड सब सिनेमैटिक से रहता है। आपको नियरली 1.5 आवर तक लगेगा जाने के लिए। एकदम मस्त है ना। एक्चुअली एक छोटा सा विलेज के पास है लोकेटेड है, वो विलेज का नेम है कटकी, उसके नेम से इसको कटकी वाटरफॉल्स बोलते हैं या कटिका वाटरफॉल्स भी बोलते हैं। ऐसे लेफ्ट को जाना पड़ेगा। अब यहाँ से पूरा सा सिंगल रोड है, बहुत नैरो रोड है। नैरो रोड है लेकिन बहुत अच्छा है, ड्राइव करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, वन व्हीकल में भी इजी से पहुंच सकते हैं। बट पूरा वाटरफॉल्स के पास पहुंचने के बाद 1 किलोमीटर का रास्ता है, वहाँ पे तो बहुत केयरफुल से ड्राइव करना पड़ेगा, पूरा एकदम ऑफ रोड है। नैरो रोड है ये भी बहुत अच्छा है, छोटे छोटे विलेजेस के बीच में से हर जगह भी पूरा सा ग्रीनरी है, रोड जर्नी भी एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप वाटरफॉल्स विजिट करेंगे तो कंपलसरी कंफर्ट वेयर पहन के जाओ, क्योंकि वहाँ पे ट्रैकिंग करना पड़ेगा।
वहाँ पे तो नियरली 100 मीटर का ट्रैक करना पड़ता है, कंफर्ट वेयर पहन के जाने से इजी से ट्रैक कर सकते, एंड फुटवेयर भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मानसून सीजन में होता तो ज़्यादा स्लिप होता रहता है। सो ट्रैकिंग के लिए जो वेयर कंफर्ट होता है वही पहन के जाना है यहाँ पे जाने के वक्त, क्योंकि फॉर्मल वेयर तो यहाँ पे चलेगा नहीं। इंडिया विजिट करने के लिए बेस्ट टाइमिंग्स आके अगस्त से लेके दिसंबर तक विजिट कर सकते हैं, जब भी वाटर फ्लो ज़्यादा रहता है, क्योंकि मानसून सीजन में ही वाटर फ्लो बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए यही बेस्ट टाइम है। एंड नॉर्मल इसका डे टाइम में टाइमिंग्स देख लेंगे तो मॉर्निंग 10 से इवनिंग 5 तक जा सकते हैं, बट एज़ वेल एज 2-3 बजे तक कंप्लीट करना ही बेहतर है, क्योंकि रोड तो इतना अच्छा नहीं है। सो जल्दी से कंप्लीट कर लेगा, रिटर्न होना बेहतर है। अराउंड आपको ये देखने के लिए 2 से 3 आवर्स तक लगता है, जाने के लिए 1 आवर, आने के लिए 1 आवर, एंड ट्रैकिंग 1 20 मिनट्स तक लगता है। सो एक हाफ एन आवर 1 आवर तक वहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं आराम से। रोड तो एकदम मस्त है ना। हर जगह इतना ग्रीनरी है एंड सभी एरिया भी बहुत पीसफुल से है। आप बोरा केव से आएंगे तो वहाँ से भी कैब्स अवेलेबल रहते हैं। बोरा केव से सिर्फ 6 से 7 किलोमीटर से रहता है, बोरा स्टेशन में उतर के वहाँ से कैब्स अवेलेबल रहते हैं एंड ऑटोज़ भी वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं, वो लेके आ सकते हैं। बोरा केव से आना है तो सिर्फ 15-20 मिनट ही जर्नी लगेगा। यहाँ पे खाने के लिए कुछ अवेलेबल नहीं रहता है, मतलब छोटे छोटे शॉप्स रहते हैं तो वाटर बॉटल ऐसे मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मिल जाता है यहाँ का लोकल डिश, बैम्बू चिकन, बिरयानी भी मिलेगा एंड चिकन फ्राई भी मिलेगा। अब एक बार तो ज़रूर से टेस्ट करना, इसका टेस्ट नॉर्मल से थोड़ा अलग रहता है क्योंकि ओनली विदाउट ऑयल से बनाते हैं यहाँ पे, वही वो डिश का मेन स्पेशलिटी है। फाइनली मैक्सिमम पहुंच गया हूँ, एक 10-15 मिनट का रास्ता ही है, नैरो रोड है इसलिए बहुत टाइम लग जाता है। एंड आसपास में देखने के लिए बहुत प्लेसेस है विजिट करने के लिए, अनंतगिरी कॉफ़ी प्लांटेशन एक है एंड बोरा केव्स एंड ताटीगुड़ा वाटरफॉल्स, ये 3 भी देखने के लिए पास में रहते हैं। सो इसलिए प्लान करके आप सब प्लेसेस एक साथ में विजिट कर सकते हैं, बट मेरा रिकमेंडेशन है आप डे टाइम में फर्स्ट कटकी वाटरफॉल्स विजिट करना बेहतर है, क्योंकि रिमेनिंग प्लेसेस देख के आके ये देखना है तो इसको ट्रैकिंग करने के लिए एनर्जी बहुत चाहिए। आपको दिखता होगा आगे ये है कटकी वाटरफॉल्स, नियरली 100 फीट के अबोव से आता है। मैं यहाँ का लोकेशन तो एकदम आसम है, बहुत अच्छा है लोकेशन देखने के लिए। आपको पास में भी रेलवे ट्रैक भी है, यही एक ही रेलवे ट्रैक है यहाँ से वैजाग से आने का, आपको दिखता है ना आगे ट्रेन।
बट आप अरकू विजिट करेंगे तो कंपलसरी एक वे में तो ट्रेन जर्नी कंपलसरी करो, वो भी विस्टाडोम कोच में। को लाइफ टाइम एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस रह जाएगा ट्रेन जर्नी करने से। यहाँ से 1 किलोमीटर तक है नीचे जाने तक, सब ऑफ रोड है। अगर आप ओन व्हीकल्स लेके आएंगे तो बहुत ध्यान से ड्राइव करना पड़ेगा क्योंकि रोड इतना अच्छा नहीं है। अगर पूरा ज़्यादा बारिश होता है तो जहाँ पे मैं अभी रुका हूँ ऊपर ही व्हीकल पार्क करके नीचे आना पड़ेगा। सिर्फ वहाँ से नीचे तक 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ही है। मुझे तो लोकेशंस मस्त लगे। आपको कैसा लगा फ्रेंड्स? आपको भी अच्छा लगा होता तो प्लीज कमेंट करके बता दीजिए। तो फाइनली पहुंच गया हूँ कटकी वाटरफॉल्स। यही जो आगे दिखता है वही वाटरफॉल्स है। ये तो इतना हाइट से नीचे फ्लो होता है इसलिए बहुत दूर से दिख जाता है। आप ट्रेन में आने के टाइम में भी देख सकते हैं इसको। एंड ऊपर से एक रिवर है गोस्तानी रिवर, और रिवर के थ्रू से वाटरफॉल आता है। फाइनली फ्रेंड्स ये है हमारा कटिका वाटरफॉल्स। ऐसे ट्रैक करना पड़ेगा, गाड़ी तो यहाँ तक ही पहुँचेगा। यहाँ पे आगे थोड़े शॉप्स रहते, आपको बैम्बू चिकन या बैम्बू बिरयानी कुछ टेस्ट करना चाहेंगे तो पहले ही कुछ ऑर्डर देके एडवांस देके जाना पड़ेगा। लेकिन एक वाटर बॉटल तो कंपलसरी कैरी करो ऊपर को, क्योंकि बहुत ऊपर को जाना है। ఎంత ఉంటుంది, ఎంత పడుతుంది? అరకే పావు కేజీ రాదా? పావు కేజీ వస్తుంది సార్. నార్మల్ ఏ చికెన్ ఫ్రై తో ఆర్డర్ కర్దియా అండ్ ఇస్కా ప్రైస్ 150 రూపీస్ ఏక్ ప్లేట్. चलते हैं और ऊपर को ट्रैक करने के लिए। ऐसे 100 मीटर ऊपर जाना है, लगभग 350 फीट। चलते वाटरफॉल्स 3 लेवल्स रहते हैं, फर्स्ट लेवल एंड मिड लेवल एंड ऊपर से पूरा टॉप लेवल। अभी तो जस्ट 30 फीट हुआ है और 70 फीट जाना है ऊपर आगे को। फर्स्ट लेवल तो जाने के लिए रास्ता इतना अच्छा नहीं है, तो सेकंड एंड पूरा टॉप लेवल को जा सकते हैं। बाप रे, बहुत मुश्किल से जाना पड़ता है ऊपर को। इतना नैरो है, यहाँ से नीचे फर्स्ट लेवल आपको दिखता होगा, नहीं है तो यहाँ से भी पहुँच सकते हैं।
लेकिन फर्स्ट लेवल जाने से ज़्यादा सेकंड एंड थर्ड लेवल को जाना बहुत अच्छा है, क्योंकि फर्स्ट लेवल इतना देखने के लिए कुछ नहीं है। ताना ये फर्स्ट लेवल है। तो एनर्जी पूरा खत्म हो रहा है। ये है मिड लेवल, सेकंड लेवल है ये, एंड ऊपर को और भी जा सकते हैं। एकदम नेक्स्ट लेवल है ना, बट ऊपर को जाने के बाद और भी अच्छा रहता है। कितना ट्रक करके आने के बाद यहाँ पे पानी के पास पहुँचने के बाद वो सब टाइडनेस चले जाएगा। पानी भी इतना ठंडा है और इतना पूरा एकदम फ्रेश है, लेकिन ट्रैक करने के वक्त तो बहुत केयरफुल से ट्रैक करना पड़ेगा। आराम से पहुंच सकते हैं, बट थोड़े थोड़े जगह पैर ज़्यादा स्लिप हो जाता है। तो ट्रैक करने के वक्त केयरफुल से ट्रैक कर दीजिए। छोटा सा अंडरग्राउंड वाटरशेड। चलेंगे ऊपर टॉप लेवल को। वहां तो 100 मीटर पर क्लिक है शायद, लगता है मुझे और भी ज्यादा है। अभी अभी टूरिस्ट आना भी स्टार्ट हो गया है। ये है पूरा टॉप लेवल को पहुंच गया हूँ। यहाँ से और थोड़ा आगे जाना है, लेकिन ये तो बहुत रिस्की सी है, पैर हर जगह स्लिप हो जाता है। फाइनली ये है हमारा कटिका वाटरफॉल्स, एकदम नेक्स्ट लेवल में है ना। पानी भी बहुत फोर्स से आता है ऊपर से, मानसून सीजन होने से इतना अच्छा है देखने के लिए। अभी तो जस्ट 11 o'clock हुआ है, इसलिए इतना ज़्यादा टूरिस्ट भी नहीं है। अभी अभी आने लगे हैं टूरिस्ट सब। कैसा लगा फ्रेंड्स ये एरिया, अच्छा है ना? आपको कैसा लगा कमेंट करके बता दीजिए। ये है टोटली फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लेवल्स। अभी तो रिटर्न जाता हूँ, क्योंकि अभी रिमेनिंग प्लेसेस भी देखना है। फिर भी यहाँ से नीचे को जाना है। यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉल है रास्ते में, फ्रूट्स ये सब बेचते हैं, तो एक बार ट्राई कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी मिलता है पूरा ऑर्गेनिक मिलता है। एंड बाहर आप जो फ्रूट टेस्ट करते हैं, लेकिन यहाँ का टेस्ट को बहुत अलग है, तो मैं कंपलसरी 100% बता सकता हूँ। प्राइस भी इतना ज़्यादा कुछ नहीं है बाहर से कंपेयर करेंगे तो। ऐसे जगह भी कोई बार्गेन करने का ज़रूरत ही नहीं है। आगे जो दिखता है फ्रूट स्टॉल, वही बोला था।
బనానా ఇవ్వండి ఒకటి ఎంత ఒకటి అది 100 రూపాయలు అండి ఒకటి ఒక కాయ కాయ ఇదే 20 రూపాయలు फ्रूट्स तो एकदम मस्त टेस्टी है यहाँ पे। ऑर्गेनिक फ्रूट्स का टेस्ट ही अलग होता है। हमको बाहर मिलते हैं ऑर्गेनिक बोल के, लेकिन ये सब अलग है। लेकिन यहाँ पे जैसे जगह में मिलता है ये तो 100% ऑर्गेनिक है। मैक्सिमम नीचे तक पहुँच गया हूँ। मेरा बैम्बू चिकन फ्राई भी रेडी होकर रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। कैसा लगा आपको वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब एंड शेयर भी कीजिए। और भी ऐसे ही कंटेंट आपको सामने लेकर आता रहता हूँ आगे आगे। तो फाइनली मेरा चिकन फ्राई भी रेडी हो गया है। इसका टेस्ट तो एकदम मस्त है सच में। ओके फ्रेंड्स थैंक यू। बाय बाय। सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।